महिलाओं से यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां को टीएमसी ने 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया। शेख को बंगाल पुलिस ने गुरुवार यानी कि 29 फरवरी को सुबह नॉर्थ 24 परगना के मीना खान इलाके से गिरफ्तार किया। कोलकाता पुलिस ने जांच क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को सौंप दिया है यानी कि सीआईडी को। साउथ बंगाल के एडीजी सुप्रीतम सरकार ने कहा है कि वो 5 जनवरी को ईडी अफसरों पर हुए हमले के मुख्य आरोपियों में शामिल था। भारत एट 9 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। आखिरकार संदेश खाली का मुख्य आरोपी दरिंदा पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं से यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी टीएमसी नेता शेख शाहजहां को टीएमसी ने 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया। पार्टी के फैसले का ऐलान करते हुए टीएमसी लीडर डेरेक ओब्रायन ने कहा, एक पार्टी है जो सिर्फ बोलती रहती है, तृणमूल जो कहती है वो करती है। शेख को बंगाल पुलिस ने गुरुवार यानी कि 29 फरवरी को सुबह नॉर्थ 24 परगना के मीना खान इलाके से गिरफ्तार किया। 55 दिन से वो फरार था। पुलिस ने उसे बशीरहाट कोर्ट में पेश किया जहां से उसे 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। कोलकाता पुलिस ने जांच क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को सौंप दिया है यानी कि सीआईडी को। साउथ बंगाल के एडीजी सुप्रीतम सरकार ने कहा है कि वो 5 जनवरी को ईडी अफसरों पर हुए हमले के मुख्य आरोपियों में शामिल था। उसे इसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। कुछ खबरों की माने तो पुलिस सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि ईडी की टीम पर हमले में शेख शाहजहां ने अपनी भूमिका भी कबूल कर ली है। बेल के लिए वकील हाईकोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने कहा गिरफ्तार ही रहने दो। गिरफ्तारी के तुरंत बाद शेख शाहजहां के वकील जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंच गए। कोर्ट ने कहा उसे गिरफ्तार ही रहने दो, अगले 10 साल तक ये आदमी आपको बहुत व्यस्त रखेगा, आपको इस केस के अलावा कोई और चीज देखने का मौका तक नहीं मिलेगा। उसके खिलाफ 42 केस दर्ज है, वो फरार भी था। जो कुछ भी आपको चाहिए आप सोमवार को आइए, हमारे पास उसके लिए कोई सहानुभूति नहीं है। संदेश खाली की सीबीआई जांच पर हाईकोर्ट में सुनवाई सोमवार को है। कोलकाता हाईकोर्ट सोमवार को संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने की याचिका पर सुनवाई करने वाला है। साउथ बंगाल के एडीजी सुप्रीतम सरकार ने बताया कि इस गिरफ्तारी में सेक्सुअल असॉल्ट का कोई मामला अभी नहीं है। शाहजहां के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। 7, 8 और 9 फरवरी को जो मामले दर्ज हुए हैं वे सभी 2 से 3 साल पहले की घटनाओं के हैं, पर जांच पड़ताल में फिलहाल समय लगेगा। शाहजहां के पुलिस से डील है। शुभेंदु अधिकारी बोलते हुए नजर आए, 5-स्टार सुविधाएं भी मिलेंगी। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार तो कर लिया है लेकिन वो एक डील के तहत कल रात 12 बजे से ममता पुलिस की सुरक्षित कस्टडी में है। कल रात पुलिस उसे बिरमजूर सेकंड में ग्राम पंचायत इलाके में ले गई थी। यहां उसने प्रभावशाली मध्यस्थों की मदद से ममता की पुलिस से डील की और पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में उसकी अच्छे से देखभाल की जाएगी। जेल में उसे 5-स्टार होटल जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, यहां तक कि उसे फोन भी दिया जाएगा जिसकी मदद से वो तोलामूल पार्टी को वर्चुअली चला सकेगा। तो इसमें सियासत भी फिलहाल शुरू हो चुकी है। तब सरकार ने गिरफ्तारी की। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि भाजपा की तरफ से लगातार इस मुद्दे पर प्रदर्शन किए गए जिसकी वजह से बंगाल सरकार उसे गिरफ्तार करने को मजबूर हुई। सरकार तो अब तक शेख शाहजहां को आरोपी मानने से ही इनकार कर रही थी। शाहजहां और उसके 2 साथियों पर महिलाओं से गैंगरेप का आरोप है। दरअसल संदेश खाली में शेख शाहजहां और उसके 2 साथियों शिबू हजारा और उत्तम सरदार पर आरोप है कि महिलाओं का लंबे समय से गैंगरेप कर रहे थे। इस केस में शिबू हजारा और उत्तम सरदार समेत 18 लोगों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। शाहजहां से टीएमसी का डिस्ट्रिक्ट लेवल का नेता है। राशन घोटाले में ईडी ने 5 जनवरी को उसके घर पर रेड की थी, तब उसके 200 से ज्यादा सपोर्टर्स ने टीम पर अटैक कर दिया था। अफसरों को जान बचाकर भागना पड़ा, तभी से शाहजहां फरार था। हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार से कहा था शाहजहां को गिरफ्तार करो,
दरअसल शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिव ज्ञानम ने सोमवार को आदेश दिया था कि पुलिस हर हाल में 4 मार्च को अगली सुनवाई में शाहजहां को कोर्ट में पेश करे। उसकी गिरफ्तारी पर कोई स्टे नहीं है। कोर्ट ने हैरानी जताई कि संदेश खाली में अत्याचार की घटनाओं की सूचना 4 साल पहले पुलिस को दी गई थी। यौन उत्पीड़न समेत 42 मामले हैं, लेकिन उनमें चार्जशीट दायर करने में 4 साल लगा दिए गए। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को ममता बनर्जी सरकार से कहा था कि संदेश खाली केस में टीएमसी लीडर शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया जाए। हाईकोर्ट में एक वकील ने याचिका लगाई थी कि कई लोग संदेश खाली जा रहे हैं, कुछ को गिरफ्तार किया जा रहा है तो कुछ को मालाएं पहनाई जा रही हैं। वकील ने अपील की कि हाईकोर्ट संदेश खाली की जांच के लिए एक स्वतंत्र कमेटी गठन करे। कोर्ट ने कहा, हम ऐसा करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि राज्य सरकार, पुलिस, सीबीआई और ईडी कोर्ट में मौजूद रहे। साथ ही अब तक फरार चल रहा जिला परिषद अध्यक्ष शेख शाहजहां भी। उसके बाद उन्होंने कहा कि एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन उसने पहले से ही दी है, जिसे खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने पुलिस को फटकारते हुए कहा कि 4 साल पुराना मामला है, एफआईआर को चार्जशीट में तब्दील होने में 4 साल कैसे लग गए? ये इतने दिनों से जो कुछ हो रहा था उसकी पूरी तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। कोर्ट की फटकार में कुछ घंटे बाद टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि शाहजहां शेख को 7 दिन के अंदर अरेस्ट कर लिया जाएगा। संदेश खाली में टीएमसी नेता शेख और उसके 2 साथियों शिबू हजारा, उत्तम सरदार पर महिलाओं के साथ गैंगरेप का आरोप था। पुलिस ने अब तक शिबू हजारा, उत्तम सरदार समेत 18 लोगों को गिरफ्तार किया था, जबकि शाहजहां अभी तक फरार था। शाहजहां शेख टीएमसी का डिस्ट्रिक्ट लेवल का नेता था। राशन घोटाले में ईडी पर 5 जनवरी को उसके घर पर रेड थी, तब 200 सपोर्टर्स, जैसे कि हमने कहा कि अफसरों को वहां पर जान बचाने के लिए भागना पड़ा। इस पूरे मामले पर सियासत हुई। दरअसल स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में अब तक कुछ नहीं कहा है। स्मृति ईरानी ने कहा था कि संदेश खाली में जो हुआ वो किसी भी भारतीय की समझ से परे है। राहुल गांधी पर किए अपने कमेंट में स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस के लोग संदेश खाली जाकर बात करना चाहते हैं, लेकिन शहजादा जो अभी भी राजनीति के चक्र में खोए हुए हैं, उन्होंने इस मामले पर एक शब्द भी नहीं कहा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिन महिलाओं ने सालों तक ममता का समर्थन किया, आज उन्हें घरों से किडनैप कर उनका रेप किया जा रहा है? नौ 24 परगना जिले के संदेश खाली में हुआ क्या है? दरअसल नौ 24 परगना जिले के संदेश खाली में महिलाओं ने टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उसके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाया था। इसके बाद संदेश खाली में स्थानीय महिलाओं ने प्रदर्शन किया था। उन्होंने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। शाहजहां कैसे मजदूर से माफिया बना, बहुत बड़ा कहीं ना कहीं उसने सर्कल चलाया है। कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और इससे कहा जा सकता है कि शेख शाहजहां अपने आप को कितना ज़्यादा मजबूत करता हुआ नजर आया। आरोपी शाहजहां संदेश खाली में कहां से आया ये कोई नहीं जानता। 2000 से 2021 में वो मत्स्य केंद्र में मजदूर था, सब्जी भी बेची, फिर ईंट भट्टा पर काम करने लगा। यही उसने मजदूरों की यूनियन बनाई, फिर सीपीएम से जुड़ा। सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन में वाम दलों की जमीन खिसकी तो 2012 में वो तृणमूल के तत्कालीन महासचिव मुकुल रॉय, उत्तर 24 परगना जिले के ताकतवर नेता ज्योतिप्रिय मलिक के सहारे पार्टी से जुड़ गया। जिस राशन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय शाहजहां को खोज रहा है, उसी केस में मलिक जेल में बंद है। गांव वालों ने बताया कि शाहजहां के पास सैकड़ों मछली पालन केंद्र, ईंट भट्टे, सैकड़ों एकड़ जमीन है। वो 2 से 4 हजार करोड़ की संपत्ति का मालिक है। आप समझ सकते हैं कि एक छोटा सा नेता जिसकी संपत्ति 2 से 4 हजार करोड़ है, वो कैसे उसका मालिक बना होगा? शेख समर्थकों ने ही ईडी अफसरों पर हमला किया था और ये अब तय हो गया है। इसी मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन आगे जो और आरोप लगे हैं उस पर भी चार्जशीट दाखिल करने की बात कही जा रही है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के दौरान कथित तौर पर हुए हजारों करोड़ रुपए के राशन घोटाले में ईडी ने 5 जनवरी को राज्य में 15 ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें ये पूरी जो डील है वो सामने। उसी के बाद संदेश खाली जो है वो चर्चाओं में आया था। इसमें 3 अधिकारी घायल हुए थे। इसके बाद से शाहजहां फरार था। शेख शाहजहां के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। संदेश खाली केस को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की रिविजन बेंच ने 20 फरवरी को बंगाल सरकार को फटकार भी लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि शुरुआती तौर पर यह साफ है कि टीएमसी नेता शाहजहां ने लोगों को नुकसान पहुंचाया। जिस शाहजहां पर रेप और जमीन हड़पने के आरोप हैं, ऐसा लगता है वो पुलिस की पहुंच से बाहर है। संदेश खाली केस को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मंगलवार को बंगाल सरकार को फटकार लगाई और कहा, शुरुआती तौर पर यह साफ है कि टीएमसी नेता शाहजहां ने लोगों को नुकसान पहुंचाया। जिस शाहजहां पर रेप और जमीन हड़पने के आरोप है, ऐसा लगता है कि वो अभी तक बाहर है। इस पूरे मामले पर कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवांगनम और जस्टिस हिरण्यमय भट्टाचार्य की बेंच ने कहा कि यह चौंकाने वाला है
कि समस्या की जड़ में मौजूदा एक आदमी अभी तक पकड़ा नहीं जा सका। अगर उसके खिलाफ हजारों झूठे आरोप हैं, लेकिन इनमें अगर एक भी आरोप सही है तो आपको उसकी जांच करनी चाहिए। बेवजह लोगों को परेशान कर रहे हैं। कोर्ट की इजाजत के बाद शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली पहुंचे। हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के आदेश के बाद भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी मंगलवार को संदेश खाली पहुंचे। डिवीजन बेंच ने उन्हें जाने की इजाजत देते हुए शर्त रखी कि शुभेंदु के साथ सिर्फ उनकी सिक्योरिटी के लोग ही हिंसा प्रभावित इलाकों में जाएंगे। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सोमवार को उन्हें संदेश खाली जाने की इजाजत दी थी। इसके खिलाफ बंगाल सरकार डिवीजन बेंच भी गई थी और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि डिवीजन बेंच में बंगाल सरकार ने दलील दी और कोर्ट के जवाब में बंगाल सरकार ने कहा कि अटॉर्नी जनरल किशोर दत्त ने डिवीजन बेंच के सामने कहा शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली जा रहे हैं, अब वहां हालत नॉर्मल है, अब वहां जाकर अशांति फैलाने की क्या जरूरत है। जिसके बाद शुभेंदु के वकील ने कहा कि हम वहां कोई मीटिंग नहीं करेंगे, सिर्फ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। जिसके बाद डिवीजन बेंच ने कहा कि आप वहां जा सकते हैं, लेकिन आपके सपोर्टर्स का क्या होगा? आप चुने हुए विधायक हैं, आप पूरे राज्य में घूम सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो धारा 144 वाले इलाके में आपके साथ जा सकते हैं। जिस पर बंगाल सरकार ने कहा कि हम सिंगल बेंच के ऑर्डर को चैलेंज करते हैं। डिवीजन बेंच में फिर कहा कि शुभेंदु अधिकारी को शर्तों के साथ संदेश खाली भेजा जा रहा है, अगर आप ऐसा होने देते हैं तो ये कुछ ही घंटों की बात होगी, अगर आप विरोध करते हैं तो ये मामला और ज़्यादा परेशान कर सकता है। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई और काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी भी हुई है कोर्ट तक। इस पूरे मामले को लेकर लगातार कहा गया और कहा गया कि लोग वहाँ कितने ज़्यादा परेशान हैं, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते हैं। जल्द से जल्द शाहजहाँ शेख की गिरफ्तारी होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आगे कोर्ट इसमें कार्रवाई करेगा। दरअसल शुभेंदु अधिकारी वहां पहुंचे, उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की और जो खुलासे हुए वो चौंका देने वाले थे। हालांकि इससे पहले भी कई लोगों ने जाने की कोशिश की थी लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। इसके बाद काफ़ी कोशिशों के बाद जब सरकार को प्रेशराइज किया गया तब जाकर आज वो तस्वीर निकल कर सामने आई जिसमें शुभेंदु अधिकारी जब वहाँ पहुँचे थे उसके बाद आज शाहजहाँ शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन महिलाओं के यौन पीड़न मामले की जांच सीबीआई या एसआईटी से कराने की याचिका को खारिज कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा था कि कलकत्ता हाईकोर्ट के मामले का स्वतः संज्ञान लिया है, इसलिए फैसला भी हाईकोर्ट ही देगा। जिस पर महिलाओं ने कहा था कि संदेश खाली में रहना खतरनाक है। संदेश खाली की महिला ने सोमवार को कहा कि ममता बनर्जी के बारे में क्या कहूँ, उन्होंने हमारे बारे में ना तो कोई पूछताछ की और ना ही मिलने आई। वे भी महिला हैं और हम भी, इन हालात में अगर वो यहाँ नहीं आई तो आप स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। वही संदेश खाली की एक और महिला ने कहा था कि यहाँ रहना काफ़ी खतरनाक होता जा रहा है। उत्तम सदार और शिव प्रसाद हजार तो गिरफ्तार हैं लेकिन उन्हें सज़ा नहीं मिली है। इन दोनों के साथ शाहजहाँ शेख को भी सज़ा मिलनी चाहिए। हम सम्मान के साथ रहना चाहते हैं, हमारी मुख्यमंत्री एक महिला है लेकिन वे भी हमारा दर्द नहीं समझ रही। उन्हें यहाँ आकर हमसे बात करनी चाहिए, उन्हें हमारी तरफ से आवाज़ उठानी चाहिए लेकिन वे उनकी आवाज़ उठा रही हैं जिन्होंने हमला किया है। तो आखिरकार गिरफ्तारी हो गई है, अब देखना यह है कि सज़ा क्या मिलती है इस पूरे मामले पर। लेकिन आज की तस्वीर जो है वो बहुत ही अलग नज़र आई। जैसे ही गिरफ्तारी हुई शाहजहाँ की, वैसे ही वहाँ पर खुशियाँ महिलाएं मनाती हुई नज़र आई हैं। होली जैसा माहौल देखा गया, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाते हुए लोग नज़र आए थे। लेकिन कहा जा सकता है कि जो भी वहाँ महिलाओं के साथ हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी शख्स आपके इर्द गिर्द ऐसा कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत टाइम में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।